नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 11 में भाग 4 तक देखा। अब मैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा भाग 5 के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है, उनमें कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं। क्रियाविधि भी आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए तकनीक कराया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था क्रियाविधि में 4 स्टेप होते हैं। पहला था वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण, ठीक। दूसरा था वाहक डीएनए अणु का चयन। तीसरा था विजातीय डीएनए खंड या जो वांछित डीएनए खंड है उसे वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाए, ठीक। चौथा था पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाए। तो पहला वाला प्रोसेस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वांछित खंड या जीन का विलगन एवं वरण किस प्रकार से करते हैं, और आपने अच्छे से समझ भी लिया था कि हम कोशिका से डीएनए निकालते हैं, डीएनए को फिर हम काटते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से काटते हैं। कटे हुए डीएनए खंड को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पहचानते हैं कि कौन सा डीएनए खंड हमारे लिए उपयुक्त है, जो हमें चाहिए वांछित जीन को, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब डिटेल प्रोसेस बताएंगे जो इसके पहले वाले में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेटअप होता है, ठीक है, इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक बड़ा सा प्लेट होता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, जिसका चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है एनोड, जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेटअप मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो जब हम डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं, ये एक डीएनए है, जब हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से तोड़ते हैं इसे, तो छोटे छोटे खंड में ये टूट जाते हैं। तो अब हम इन खंडों में इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा वांछित जीन वाला डीएनए खंड है। तो इसके लिए हम इन खंडों को इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेटअप होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम कैथोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप के अंदर एक जेल यूज़ करते हैं, मीडियम। वो जेल होता है, वो जेल क्या कहलाता है, एगरोज जेल। जो जेल इसमें यूज़ किया जाता है वो जेल होता है एगरोज जेल, एगरोज जेल। पूछा जाता है कि एगरोज जेल क्या है? तो एगरोज जेल एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से, सीवीड्स, ठीक है, एगरोज जेल। एक्चुअल में एगरोज जेल एगार से प्राप्त होता है, वो एगार एक तत्व है जो कि समुद्री घास से निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम एक जेल यूज़ करते हैं, जिसको हम एगरोज जेल कहते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी वृहद अणुओं को इसमें डालते हैं, तो ये जो कण हैं, अगर निगेटिव पार्टिकल्स को अगर हम इसमें डालते हैं तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर हम पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को अगर इसमें डालते हैं तो ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसमें हम किसी भारी अणुओं को जब इसमें ऐड करते हैं तो वो गति करते हैं। अगर वो अणु निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ गति करेगा, अगर पॉजिटिव अणु है तो वह निगेटिव की तरफ गति करता है। इस वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम वैद्युत कण संचलन भी कहते हैं, ठीक है। करते क्या है इसमें? तो जो डीएनए के खंड हैं, इन डीएनए खंडों को इस सेटअप में हम डाल देते हैं।
तो चूंकि मैंने आपको बताया है डीएनए क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड होता है। निगेटिव चार्ज क्यों होता है डीएनए पर, तो इसके लिए आपका मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, चैप्टर 6 में मैंने आपको बताया है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने बताया है कि 3' एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से डीएनए निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, तो डीएनए के खंड को जब हम इसमें डालते हैं तो चूंकि निगेटिव चार्ज होता है डीएनए, तो ये किधर मूव करने लगता है, एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, जिससे डीएनए एक व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। अगर डीएनए के खंड छोटे हैं तो बहुत तेजी से इस पर गति दर्शाते हैं, और बड़े खंड पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार से डीएनए यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन अभी हम इस डीएनए को देख नहीं सकते। हमें इस डीएनए को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मटेरियल और ऐड करना पड़ेगा, उसे कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इसको हम देखने के लिए इसमें ऐड करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। जब हम इसमें इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं और फिर हम इस पर यूवी रेज डालते हैं, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज जब इस पर पड़ता है तब ये विजिबल हो जाते हैं, तब ये दिखाई देते हैं। तो दिखाई देने के बाद हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा खंड हमें चाहिए। अगर हमें ये खंड चाहिए तो फिर हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं पूरे जल के साथ, और फिर हम डीएनए को जल से अलग करके अपने इच्छित खंड को निकाल सकते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए कराया जाता है, डीएनए खंडों में से वांछित डीएनए खंड को अलग करने के लिए। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल को जब ऐड करते हैं तो वह उसमें गति प्रदर्शित करता है। अगर वो निगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, अगर पॉजिटिव पार्ट है तो निगेटिव की तरफ मूव करता है, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल यूज़ करते हैं, एग्रोज जेल यूज़ करते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री घास से प्राप्त होता है। दूसरा, इस डीएनए को बाद में देखने के लिए हम क्या डालते हैं इसमें, इथिडियम ब्रोमाइड। किस लाइट में ये दिखाई पड़ता है, तो यूवी लाइट में ये दिखाई पड़ता है। ठीक, यूवी लाइट जब इस पर पड़ता है तो बैगनी रंग की लाइट बैंड बन जाती हैं, ठीक है, लाइंस, और उसी से हम पहचानते हैं कि कौन सा डीएनए हमें चाहिए। ठीक, तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस डैश करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, जल मैट्रिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करने पर एक ही चार्ज वाले कणों जैसे डीएनए कॉमा आरएनए तथा प्रोटीन को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। एगार, जिससे एग्रोज जल प्राप्त होता है, एगार लिखेंगे। एगार एक पॉलीसेक्राइड है, एगार एक पॉलीसेक्राइड का मिश्रण है जो समुद्री घास से तैयार किया जाता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है। एगरोज, जो एगरोज जल है, एगरोज एगार से प्राप्त किया जाता है। तो लिखेंगे एगरोज एगार से प्राप्त अति शुद्ध और चार्ज विहीन पॉलीसेक्राइड होता है। एगरोज जल जो होता है वो अति शुद्ध और चार्ज विहीन होता है, अति शुद्ध व चार्ज विहीन पार्टिकल होता है, सॉरी ये लिक्विड होता है, मैट्रिक्स जेल अतिशुद्ध होता है और चार्ज विहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, पॉलीसेक्राइड होता है। आगे लिखेंगे एगरोज जेल को दीर्घाणुओं को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। दीर्घाणु मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। यह छलनी के समान कार्य करता है और इसमें फिल्टर पेपर की अपेक्षा छोटे छिद्र होते हैं। डीएनए खंड जितने छोटे होते हैं उतनी अधिक दूर पर एग्रोज जल पर प्रस्थान करते हैं। डीएनए खंड जितने छोटे होंगे उतने ही दूर तक ये फैलेंगे। ठीक, एक स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, एग्रोज जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग हुए डीएनए खंडों को एग्रोज जल पर रंगीन पट्टियों के रूप में तभी देखा जा सकता है जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा जाता है और रंग कर पराबैंगनी विकिरण माध्यम में रखते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अवरंजित एगरोज जल को जब
पराबैंगनी प्रकाश में अनावृत करते हैं तो डीएनए की चमकीले नारंगी रंग की पट्टियां जल पर दिखाई देती हैं। नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं जल पर, ठीक है, जो मैंने अभी इस बैंगनी बोला था वो, सॉरी इसके लिए, वो नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। एग्रोज जेल पर लगी इन डीएनए पट्टियों को जेल सहित काटकर अलग कर लेते हैं और डीएनए को इससे अलग कर लिया जाता है, ठीक है, डीएनए को जेल से अलग कर लिया जाता है, ठीक। इस क्रिया को इल्यूशन कहते हैं, जेल से डीएनए को अलग करने को कहते हैं इल्यूशन। आगे लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त शुद्ध डीएनए अणुओं को वेक्टर डीएनए के साथ क्लोनिंग किया जाता है जिससे पुनर्योग डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें वो डीएनए खंड चाहिए जो हमें चाहिए, ये मिल जाता है हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। अगला टॉपिक आपका आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सारे लैब के प्रोसेस हैं, ये हो सकता है आपको पढ़ने में उतना ना समझ में आए इजी तरीके से, लैब में करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पता नहीं लैब में कराया जाता है या नहीं, मुझे ये नहीं पता, आपको सिर्फ पढ़कर ही ज्ञान लेना है। तो अगला टॉपिक है आपका पीसीआर क्या होता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए इसमें शब्द क्या कह रहा है, चेन रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो चेन में होते हैं, मतलब एक के बाद एक रिएक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप। पीसीआर होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। पीसीआर एक मशीन है, पीसीआर एक मशीन होता है, बड़ा सा मशीन होता है, उसमें हम डीएनए को रख कर एक डीएनए से हजारों डीएनए बना सकते हैं। पीसीआर का काम क्या है, तो डीएनए से डीएनए को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, डीएनए से डीएनए बनाया जाता है। पीसीआर का क्या प्रयोग है, तो पीसीआर का प्रयोग है एक डीएनए से ढेर सारे डीएनए बनाया जाए, इसी को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके लिए एक मशीन आती है जो कि यह काम करता है खुद ब खुद, बस हमें यह सेट करना होता है कि कितना टेम्परेचर हमको देना है। हम ऐसा यूज क्यों करते हैं, मान लो कोई एक ऐसा स्पीसीज है जिसका सिर्फ एक सिंगल डीएनए हमारे पास है, एक सिंगल डीएनए हमारे पास है, हम चाह रहे हैं कि एक डीएनए ना हो, हमारे पास इस डीएनए की कई सारी कॉपियां हो, ढेर सारे डीएनए हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब अगर ये इनसाइड सेल होता तो इसमें खुद ब खुद रेप्लिकेशन होता और रेप्लिकेशन से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है, ये तो आप सामने जानते ही हैं। कोशिका में एक डीएनए से दो डीएनए होता है अपने आप, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। लेकिन जब कोशिका से बाहर है डीएनए, तब हम कैसे एक डीएनए से कई सारे डीएनए बनाएंगे, तब हम यूज़ करते हैं पीसीआर। अगर हमारे पास कोई एक डीएनए है तो उससे हम हजारों डीएनए बना सकते हैं, किसकी मदद से, पीसीआर की मदद से। कैसे कराया जाता है अब हम इसको समझेंगे। तो पीसीआर में पहला स्टेप आता है, स्टेप फर्स्ट, डीनेचुरेशन, इसे कहते हैं विकृतिकरण। विकृतिकरण में क्या करते हैं, जो डीएनए हमारे पास उपलब्ध है, इस डीएनए को हम करीब एक मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। हमको एक डीएनए से कई डीएनए बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डीएनए को जो हमारे पास है उसको एक मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाते हैं। जब इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाते हैं तब ये दोनों भाग अलग हो जाते हैं। ये दोनों भाग अलग हो जाते हैं 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, कितने मिनट तक, एक मिनट तक। ये पहला स्टेप होता है पीसीआर का। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड, इसे कहते हैं एनीलिंग ऑफ प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर हमारे पास पहले से ही मौजूद 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड वाले खंड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, इस तरह से हमारे पास खंड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड।
इन्हें हम कहते हैं प्राइमर। तो जब ये गर्म होने के बाद जब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तब हम इसमें प्राइमर ऐड करते हैं। तो प्राइमर क्या होते हैं, इन जगहों पर आकर जुड़ जाते हैं, इनसे आकर जुड़ जाते हैं 5'-3'। इसलिए इन पे हम प्राइमर ऐड करते हैं जिससे अलग हुए खंड आपस में जुड़ ना पाएं। याद रखेंगे अगर हमने इसे क्या किया है 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है तो गर्म होने पर इनके हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो गए। तो अलग होने के बाद ऐसा ना हो कि दोनों आपस में जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद हम टेम्परेचर घटा देते हैं, लगभग हम ये यूज़ करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग हम 54 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो जब ठंडा करेंगे, हमने आपको बताया डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन का मतलब 98 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, अगर हम पुनः इसी को ठंडा कर देंगे तो आपस में पुनः जुड़ जाते हैं। तो ये आपस में पुनः ना जुड़े इसलिए हम क्या लगा देते हैं, इसमें पहले से ही प्रेजेंट प्राइमर इसमें लगा डाल देते हैं। जो पीसीआर मशीन होती है उसमें हम प्राइमर डाल देते हैं। तो प्राइमर क्या करता है, इनसे जुड़ जाता है जिससे ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े ना। तीसरा स्टेप क्या आता है, स्टेप थ्री है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। अब ये जो बचे हुए खंड हैं, अगर हम इन बचे हुए खंडों पर इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस को जोड़ दें तो ये कंप्लीट डीएनए बना लेंगे। इसके लिए हमको चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, पांचवा और छठवां चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे। नाइट्रोजन क्षार, फिर आता है पेंटोस शर्करा, फिर आता है फास्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यहाँ पर फास्फेट प्लस शुगर, ये जो डंडी है फास्फेट प्लस शुगर की बनी होती है, और ये जो होते हैं नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, चार, डीएनए में होते तो कुल पांच हैं लेकिन डीएनए में चार प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यहाँ पर चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को डालना पड़ता है इसमें, एडनिन वाला, थाइमिन वाला, साइटोसिन वाला और गुआनिन वाला। तो जब हम इस पीसीआर में स्टेप थ्री में क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं। जब चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। जो प्राइमर जुड़ा था 5'-3', अब जब हम इसमें इसके बाद ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डीएनए, यहाँ पर प्राइमर जुड़े हुए हैं। अब ये जब चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड इसमें डाल देंगे तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन क्षारों के अनुसार ये जुड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एडनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमिन, एडनिन, एडनिन, थाइमिन, ये हैं। तो इन चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अपने अपने नाइट्रोजन क्षार के सामने जुड़ जाते हैं। जैसे एडनिन है तो यहाँ पर क्या आकर जुड़ेगा, थाइमिन, थाइमिन वाला आकर जुड़ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, थाइमिन है तो एडनिन जुड़ेगा, गुआनिन है तो साइटोसिन जुड़ेगा, साइटोसिन है तो गुआनिन जुड़ेगा, गुआनिन है, साइटोसिन है तो गुआनिन जुड़ेगा, गुआनिन है तो साइटोसिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडनिन, एडनिन है तो थाइमिन, एडनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडनिन, और इस तरह से ये क्या होते हैं, कंप्लीट इनसे आकर जुड़ जाते हैं। और सेम इसी तरीके से प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक साइकिल में, पीसीआर के एक साइकिल में एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, दो डीएनए बन गए, एक डीएनए ये बना और एक डीएनए ये बना। इसी प्रकार से हम ये रिपीट करते जाएंगे साइकिल तो हमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1028 तक, 24 तक ये बन सकते हैं।
मतलब बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स में जितनी बार हम पीसीआर रिपीट करेंगे उतनी मल्टीपल टाइम में ये डीएनए भी बनती जाएंगी। तो ये कहलाता है पीसीआर। पीसीआर के तीन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग ऑफ प्राइमर एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर को भी 72 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है, इनका भी टेम्परेचर ऐसे रखा जाता है, ठीक है। ये एक मशीन में होता है, एक कंप्यूटराइज मशीन होती हैं, उनमें हमको सिर्फ टेम्परेचर सेट करना होता है, लेकिन अब तो टेक्निकल और बढ़ गई है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से अब हमें सेट भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक वो अपने आप सेट हो जाता है, हम बस उसके इंडिकेट कर देते हैं। तो मशीन में जब हम किसी एक डीएनए को डालते हैं, पीसीआर स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप पीसीआर एक डीएनए से दो डीएनए, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से ढेर सारे डीएनए बना देती है। क्या क्या स्टेप होते हैं तो आप ये पढ़ लिए कि डीएनए में पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। पहले हम इस डीएनए को गर्म करते हैं जिससे इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाते हैं और दोनों के दोनों सिरा अलग हो जाते हैं। स्टैंड के अलग होने पर इसमें हम ऐड करते हैं प्राइमर, तो प्राइमर यहाँ पर जुड़ जाते हैं डीएनए से। फिर हम पूरे कंप्लीट डीएनए को प्राप्त करने के लिए इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ जुड़कर पूरा कंप्लीट डीएनए बना देती है, ठीक। इसी को कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें लिखेंगे पीसीआर में हेडिंग डालेंगे पीसीआर विधि द्वारा लाभकारी जीन प्रवर्धन। लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। हमने एक डीएनए खंड निकाला था इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस एक डीएनए खंड से उसी डीएनए खंड का ढेर सारे डीएनए बनाते हैं, किसकी मदद से, पीसीआर की मदद से। आगे लिखेंगे पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन विट्रो बनाने की इस विधि की खोज कैरी मुलिस ने की थी। पीसीआर की खोज किसने की थी, कैरी मुलिस ने। चूंकि इसे हम कोशिका के बाहर कराते हैं इसलिए इसे हम कहते हैं इन विट्रो। अगर हम कोशिका के अंदर कराते हैं तो इसे कहते हैं इन वीवो। जब हम कोई चीज़, कोई रिएक्शन कोशिका के अंदर कराते हैं तब इसे कहते हैं इन वीवो, और जब कोशिका के बाहर कराते हैं तो कहते हैं इन विट्रो, ठीक है। तो इस विधि की खोज किसने की थी, कैरी मुलिस ने की थी। आगे लिखेंगे कैरी मुलिस ने सन 1885 में की थी। इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लिएज आवश्यक है। अब देखिए इसमें एंजाइम की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्राइमेज को जुड़ने के लिए, प्राइमर को जुड़ने के लिए, ये हैं प्राइमर, ये भी जो जुड़े हैं ये कहलाते हैं प्राइमर। प्राइमर को जोड़ने के लिए एंजाइम होता है प्राइमेज, और फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, आप जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने के लिए भी एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सेल में पाया जाता है, लेकिन हम मशीन में कैसे, कौन सा पॉलीमरेज डालें, मशीन में डीएनए पॉलीमरेज डालने के लिए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज करें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज ही लेंगे जो इतने टेम्परेचर को सह सके। तो उस ऑर्गेनिज्म को लेंगे, उस कोशिका को लेंगे जो कि इतने डिग्री सेल्सियस पर रहती हों। आपको फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में बताया गया होगा, दूसरे चैप्टर में बताया गया होगा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन पॉसिबल ही ना हो, जैसे गर्म झरनों पर, गर्म झरना जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, वहाँ पर पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को हम उसका नाम मुझे भूलना है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म झरनों पर, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल का में एक बैक्टीरिया है जिसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, एक थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताइए। तो थर्मस एक्वाटिकस है एक थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो अत्यधिक उच्च तापमान वाले जगहों पर पाया जाता है, जैसे गर्म झरनों पर जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये इतने गर्म जगहों पर पाए जाते हैं तो इनका डीएनए पॉलीमरेज भी इतने ही डिग्री सेल्सियस पर काम करता होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया की कोशिका से हम इस डीएनए पॉलीमरेज को निकाल लेते हैं, और निकाला भी जाता है।
यहाँ पर पीसीआर में यूज़ करने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ की जाती है वो इन्हीं से निकाला जाता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज हम इससे निकाल कर पीसीआर में यूज़ करते हैं उसका नाम रखा गया है टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। अब टैक पॉलीमरेज में ये टैक नाम कहाँ से आया, यहाँ से आया, थर्मस का टी, एक्वाटिकस का ए क्यू, बन गया टैक, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। पूछा जाता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से निकाला जाता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस नामक थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया से निकाला जाता है और इसका यूज़ हम पीसीआर में कर सकते हैं क्योंकि यह अत्यधिक टेम्परेचर पर काम करता है। अगर हम अपनी सेल की कोशिका से, अपनी कोशिका अपने शरीर की कोशिका से अगर डीएनए पॉलीमरेज निकालेंगे तो इतने डिग्री सेल्सियस पर काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो इतने पर वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो इतना टेम्परेचर सहन कर सके। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लिएज आवश्यक है और इसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। ये बैक्टीरिया गर्म झरनों तथा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, अतः इनकी पॉलीमरेज एंजाइम उच्च ताप पर भी क्रियाशील होती है। इनकी जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो उच्च ताप पर भी क्रियाशील होती है, क्यों, क्योंकि ये उच्च ताप पर रहते ही हैं। आगे लिखेंगे वास्तव में टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उच्चतम क्रियाविधि क्रिया दर 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है जिस पर लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड्स प्रति सेकंड तक जुड़ सकते हैं। 150 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड तक को जोड़ सकती है ये टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज 150 न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड में जोड़ सकती है। ठीक, हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग होगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्नलिखित तीन पदों में पूरी होती है, कौन कौन सा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग ऑफ प्राइमर एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तो यहाँ पर पहला हेडिंग डालेंगे प्रथम पद निष्क्रियकरण या विकृतिकरण, निष्क्रियकरण या विकृतिकरण, ठीक है, या डीनेचुरेशन, इंग्लिश में लिखेंगे डीनेचुरेशन पहला स्टेप। और इसमें लिखेंगे 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स से बने संश्लेषित प्राइमर को बड़ी मात्रा में पीसीआर मशीन में डालते हैं, उसमें उन जीन को डालते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है, उन जीन या डीएनए खंड को डालते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है। ठीक, इस मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जिससे जीन या डीएनए से दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं, इस क्रिया को निष्क्रियण कहते हैं। फिर दूसरा एडिंग डालेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद में आता है एनिलिंग ऑफ प्राइमर, इसको हिंदी में कहते हैं प्राइमर का एनिलिंग, लिखेंगे द्वितीय पद प्राइमर का एनीलिंग, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एनीलिंग ऑफ प्राइमर। डैश करके लिखेंगे उपर्युक्त मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, सामान्यतः ठंडा करने पर 60 या 54, कई जगह पे 54 दिया रहता है या कई जगह पे 60 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही होते हैं 50 से 60 के बीच में। तो लिखेंगे उपर्युक्त मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, सामान्यतः ठंडा करने पर डीएनए के दोनों स्टैंड पुनः युग्मित होकर डीएनए अणु बना लेते हैं। अगर हम इन्हें ठंडा कर दें तो जो अलग हुए हैं फिर से पुनः युग्मित हो जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए हम इसमें प्राइमर ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे किंतु माध्यम में प्राइमर्स की अधिक मात्रा होने के कारण डीएनए के कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड अनुपूरक प्राइमर के साथ युगल बना लेते हैं, अनुपूरक प्राइमर के साथ युगल बना लेते हैं मतलब इनसे जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ जाते हैं तो ये स्टैंड और ये स्टैंड आपस में जुड़ते नहीं हैं क्योंकि अगर हम ठंडा करते हैं तो ये दोनों स्टैंड जो अलग हुए आपस में जुड़ जाएंगे, अब हम अगर प्राइमर डाल देंगे तो आपस में जुड़ नहीं पाते। तो लिखेंगे इसमें इस क्रिया को उपक्रामक या प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं, प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं इस प्रक्रिया को। तीसरा एडिंग डालेंगे तृतीय पद और इसमें लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, उपक्रामक का विस्तार, उपक्रामक का विस्तार, प्राइमर को उपक्रामक कहते हैं हिंदी में। लिखेंगे उपर्युक्त घोल में टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, चार प्रकार के डीएनए न्यूक्लियोटाइडों के ट्राईफास्फेट अणुओं को मिलाया जाता है, इनके ट्राईफास्फेट अणुओं को मिलाया जाता है
जीनोमिक डीएनए दोनों स्टैंडों को टेम्पलेट की तरह उपयोग में लाकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपक्रामक पर पूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। इस क्रिया को उपक्रामक का विस्तारण कहते हैं। मतलब यह कि डीएनए पॉलीमरेज जो टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज किए हैं वो इन न्यूक्लियोटाइडों को इन डीएनए से लाकर जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं उपक्रामक का विस्तारण, और इस प्रकार से हमें दो अलग अलग डीएनए प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगले लाइन से ब्रैकेट में लिखेंगे, पीसीआर के प्रत्येक चक्र में केवल 1 से 2 मिनट का समय लगता है। पूरे चक्र में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे लिखेंगे 20 चक्र के अंत में, 20 चक्र अगर हम ऐसे 20 चक्र करा दें तो 20 चक्र के अंत में 1 मिलियन से भी अधिक डीएनए अणु बन जाते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, अगर माध्यम में पर्याप्त मात्रा में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित हैं तो। ठीक है, मतलब अगर हम पीसीआर का 20 चक्र करा दें तो लगभग 1 मिलियन डीएनए बन जाते हैं, लेकिन कब बनेंगे, जब माध्यम में आवश्यक 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों की मात्रा उतनी होगी डीएनए बनाने लायक, तब होगा। जब यही नहीं रहेंगे तो डीएनए कहाँ बन पाएगा। डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के चाहिए, तो जब ये उचित मात्रा में होते हैं तो अगर हम 20 चक्र कराते तो 1 मिलियन तक डीएनए बन सकते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, अगले लाइन से स्टार बना के लिखेंगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यूज किए जाते हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं, इसे हम कहते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। लिखेंगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को टैग डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं क्योंकि इसे थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बस ये हो गया आपका, ये भी प्रोसेस पीसीआर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, 3 स्टेप में कंप्लीट होना है। 1 स्टेप में डीएनए को गर्म करके उनको दोनों स्टैंड को अलग कर लेते हैं, 2 स्टेप में प्राइमर को इसमें जोड़ देते हैं, 3 स्टेप में डीएनए को कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड से बना देते हैं और 1 डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। और अगर हम 20 चक्र इसका कंप्लीट करते हैं पीसीआर का तो लगभग 1 मिलियन डीएनए बन सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आपको आज के टॉपिक में मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद फिर मैंने आपको पीसीआर के बारे में बताया। अब जो भी आगे का टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जुड़े रहिए बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। और फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था इससे पहले वाले भी वीडियो में, अब मैं फिर बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 का नोट्स तैयार हो चुका है, 1 से लेकर 16 चैप्टर्स तक का PDF फाइलें आपको WhatsApp पे ही भेजा जाएगा। इसके लिए आपको चार्ज पेड करना होगा, 400 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने दिया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है WhatsApp नंबर 8854900176। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यदि नोट्स चाहिए PDF तो। ठीक है, इसके लिए आपको 400 रुपये पेड करना होगा। मेरा यह कहना है कि ये सारी चीज़ें आपको फिगर के साथ मिलेंगी उस PDF में, और अच्छा फिगर होगा और लिखा हुआ होगा, जिससे आप मेरे इस वीडियो को समझेंगे और आपके पास लिखा हुआ सामग्री होगा, आप देखकर उसे अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप PDF ज़रूर लीजिए, ये मेरा कहना है कि आप नोट्स ज़रूर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से जो आज मैंने पढ़ाया, अगर आपको आपने पढ़ा और आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किए जाने वाले जेल को कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, डीएनए पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश। ठीक, चौथा क्वेश्चन, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसकी तरफ गति करता है, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आपका पीसीआर से होगा। पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले पॉलीमरेज को क्या कहते हैं। ठीक, आपको इसके आंसर आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे से पढ़िए, इन सारे टॉपिक्स को एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक नीट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक जो आप छोड़ दोगे वो भी पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके पढ़िए।
एक और सजेशन मैं आपको देता हूँ, यदि आप नीट की तैयारी करते हो तो आप अभी से ही नीट के 10 ईयर सॉल्व पेपर ले लीजिए और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी लगाइए, ठीक है। इससे आपका रिवाइज होता जाएगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपको पता भी चलता रहेगा और आपको छोटी छोटी जो चीज़ें आप छोड़ देते हो वही क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप याद भी कर लेते जाओगे, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।